लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 7,824 गोठानों में 4,173 गोठान सक्रिय हो गए हैं और इसमें 1,40,000 करीब पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं और इसमें 47% अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और करीब 44% महिलाएं हैं। स्वीकृत गोठान की संख्या काफ़ी वृद्धि हो गई है आपके पहल से और आज की स्थिति में 7,824 कुल स्वीकृत गोठान हो गए हैं जिसमें निर्मित है 4,704। नवंबर के माह में 1,525 गोठान स्वीकृत हो गए, इसमें से 366 गोठान निर्मित भी हो गए हैं। वर्मी टांकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, अब 8,000 ज़्यादा स्वीकृत हुए, 10,000 ज़्यादा पूर्ण हो गए हैं और 4,000 करीब वर्मी कंपोस्ट पिट्स प्रारंभ हो गए हैं। सर, आपके निर्देशानुसार विक्रय पर काफ़ी जोर हम लोगों ने दिया है, 8,050 क्विंटल आज की स्थिति में हमने विक्रय किए हैं, 1,000 से ज़्यादा नमूने विश्लेषित हो चुके हैं राज्य के विभिन्न लैब्स के माध्यम से और आपके आदेशानुसार आज की स्थिति में करीब 5 करोड़ के पैराध्ययन पूरे राज्य में हो चुका है। सर, अजोला उत्पादन में भी काफ़ी गति आई है और जो वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन है उसके बढ़ोतरी के साथ साथ उसकी बिक्री भी अब काफ़ी गति आ गई है। आपके आदेशानुसार अगले किस्त जारी करने से पूर्व जो प्रगति होगी इस पर आपका आपको बताया जाएगा। आज 10वीं किस्त जारी करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है। मेरे साथ कृषि मंत्री आदरणीय रवि चौबे जी और विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं और ये प्रसन्नता का विषय है कि इस समय भी लगभग 5 करोड़ से भी अधिक की राशि जारी की गई है। कुल मिला के 64,20,00,000 रुपया गौपालकों को दिया जा चुका है। बहुत सारे लोगों के आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है और इसका लाभ हमारे ग्रामीण जन हैं चाहे शहरी लोग हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और केवल गोबर विक्रय से ही पैसा जनरेट नहीं होगा बल्कि अब वर्मी कंपोस्ट बनाकर जो विक्रय कर रहे हैं उसमें हमारे हजारों बहनें इस काम में लगी हुई हैं जिस जो उत्पादन कर रहे हैं। पिछले समय हम 8 रुपया के थे, अब वो 10 रुपया किलो के हिसाब से विक्रय हो रहा है जिसका लाभ निश्चित रूप से नए रोज़गार सृजित हुए हैं, लोगों के आय में वृद्धि हुई है और वहीं हम अब इससे किसानों को लाभ पहुंचाने की स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। अब जिन गांव जो किसान वर्मी कंपोस्ट का पूरा उपयोग करेंगे आने वाले समय में उनकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और साथ ही जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो किसान के जो उत्पाद हैं उसके कीमत लगभग 1.5 से 2 गुना मिलेगा क्योंकि जैविक खेती से जो उत्पादित जो अनाज है, फसल, सब्जी है, फल है, उसकी कीमत बाज़ार में मुहमांगा कीमत मिलता है तो हम लोग उस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, धन्यवाद। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।